थैंक यू फॉर एवरीथिंग पैन फिश। फर्स्ट टाइम फैमिली ट्रिप हो रहा है तो कुछ अलग लेवल का व्लॉग्स बनाएंगे। एक्चुअली इज द फर्स्ट टाइम मेरे फैमिली वाले भी इंक्लूड होंगे मेरे व्लॉग पे अच्छे से। सो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं अपने फ्लैश है ना यहाँ 150 हिट करूँ। कैन वी डू 150 ईयर? सो चेक इट आउट, एकदम पैराडाइज वाली फीलिंग आ रही है। मैं एक्चुअली में ये बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ना नीचे ना बादल है और पहाड़ थोड़ा दिख रहा है, फिर उसके ऊपर बादल है, इसी को बोलते हैं पैराडाइज। हैशटैग इंडियन थग लाइफ। आई थिंक यहाँ ना पुलिस चेकिंग हो रहा है तो ना ट्रैफिक मेरे को ना हेलो हेलो करते हुए जा रहा है। एक्चुअली मैं भी एक साउथ इंडियन हूँ तो साउथ इंडियन फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लुक एट हियर गाइस, पूरा जो है ना लकड़ी से बना हुआ है। बिना एक्सीलरेशन और बिना गाड़ी स्टार्ट हुए अप्रॉक्स स्पीड चल रहा है 45। वाओ, यू आर जीनियस अभिषेक, कहाँ थे इतने दिन? सो गाइस वेलकम बैक टू छत्तीसगढ़। सो फाइनली अपना ड्रीम डेस्टिनेशन जो था कंप्लीट हो गया, फाइनली हम पहुंच गए छत्तीसगढ़ अपने घर के तरफ। हमेशा की तरह हाँ मैं आज फिर लेट हो गया। एक्चुअली ये जो स्टफ है ना इसको चढ़ाते चढ़ाते लोड करते करते ना हमेशा मैं लेट होता हूँ, तो मैं आज उठ गया था 6 o'clock, बट ना नींद इतना ज़्यादा लग रहा था तो 6:30 तक फिर सोया, फिर उठा, फिर जल्दी जल्दी रेडी होके मैं ऑलरेडी मैं रात को ना पूरा बैग जो था ना पैक कर लिया। एक्चुअली अभी क्या है मेरा बाइक लो फ्यूल में तो सीधा जाकर आपको मिलता हूँ पेट्रोल पंप में। तो नानी थैंक यू फॉर एवरीथिंग पैन फिश। ग्रीन लाइट, अभी आगे में जस्ट पेट्रोल पंप है, सब वहाँ फ्यूल डलवाते हैं और निकल पड़ते हैं एक नई सफ़र पे। विशाखापट्टनम में बहुत जल्दी सुबह हो जाता है आई थिंक, वाई बिकॉज आंटी बोल रहे थे 7 या 7:30 के पहले निकल जाना करके। अभी भी देखो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। एक्चुअली ये सिटी के बाहर तक ना ये ट्रैफिक रहेगा करके आंटी बोल रहे थे। अभी वाइजाग छोड़ के आ रहा हूँ तो ना मन में ना अजीब साइड ना दर्द बैठ गया है, लेकिन कोई ना नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना कुछ ज़्यादा दिन रुकेंगे। और मेरे को ना छोड़ के आने मन नहीं कर रहा था बिल्कुल नानी को। आई विल विश यू नानी एंड वाइजाग। फर्स्ट टाइम फैमिली ट्रिप हो रहा है तो कुछ अलग लेवल का व्लॉग्स बनाएंगे। एक्चुअली इज द फर्स्ट टाइम मेरे फैमिली वाले भी इंक्लूड होंगे मेरे व्लॉग पे अच्छे से। अभी टाइम हो गया है 9 o'clock, आई एम ऑन स्टिल हाईवे। अभी ये CC रोड है तो ना ऊपर ऊपर थोड़ा बम्प बम्प मार रहा है मेरा बाइक। एक्चुअली 100 पे चला रहा हूँ तो इतना ज़्यादा बम्प हो रहा है बाइक पूछो मत। तो हम नॉर्मल मेंटेन कर रहे हैं 100 का स्पीड, और मैं आगे जाके 1 restaurant है वहाँ रुकने का कोशिश करेंगे एंड रुक के ना थोड़ा पेट पूजा करना ही है मेरे को। सो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं अपने फ्लैश है ना यहाँ 150 हिट करूँ। कैन वी डू 150 ईयर? सो चेक इट आउट, गाइस नहीं हो पाया। ये देखो पूरा ओस जमा हुआ है, एकदम पैराडाइज वाली फीलिंग आ रही है। मैं एक्चुअली में ये बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ना नीचे ना बादल है और पहाड़ थोड़ा सा दिख रहा है, फिर उसके ऊपर बादल है, इसी को बोलते हैं पैराडाइज। पूरा ओस 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 है पूरा, और क्लाइमेट ना बहुत बढ़िया हो रखा है राइडिंग के लिए। हैशटैग इंडियन थग लाइफ। आई थिंक यहाँ ना पुलिस चेकिंग हो रहा है तो हम थोड़ा स्लो कर दिए हैं बाइक को। एक्चुअली वहाँ ना बहुत सारे लोग रुक गए हैं पुलिस चेकिंग हो रहा है करके, बट यहाँ कुछ अलग ही सीन चल रहा है। वही नतीजा होता है बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाओगे तो। मॉर्निंग में भी इतना ट्रैफिक होगा मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इतना तो पता चल गया। पहले से नहीं सोचना है कि हाँ भाई सुबह उठ जाएंगे और निकल पड़ेंगे बिना कोई ट्रैफिक मिले, बट यहाँ ना ट्रैफिक मेरे को ना हेलो हेलो करते हुए जा रहा है। लुक एट हियर गाइस, द वन
बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था तो सोचा एक रुक के एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। एक्चुअली गाइस इतना ज़्यादा भूख लग रहा था, मैं आपको पहले ही बोल रहा था रोड में कि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है मुझे। साउथ इंडियन फूड इडली सांभर इडली मैंने ऑर्डर किया। एक्चुअली मैं भी एक साउथ इंडियन हूँ तो मेरे को ना साउथ इंडियन फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड थम्स अप। सो अभी यहाँ से कोंटा जो है 123 किलोमीटर है एंड अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप्स ये शो कर रहा है 4 आवर्स। वी डिड 128 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सो बहुत फास्ट है हाईवे है तो प्रॉपर 100 का कॉन्स्टेंट स्पीड मैंने मेंटेन किया है। सो अब इसको इन्जॉय करते हैं। लुक एट हियर गाइस, ये पूरा जो है ना लकड़ी से बना हुआ है। मैं ना 3 कीरिंग लिया हूँ अपने लिए क्योंकि ना वाइजाग से मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ घर। तो रास्ते में दिखा तो मैं होटल से जस्ट बाहर निकल रहा था तो मैं सोचा घर के लिए भी 3 कीरिंग ले जा रहा हूँ। ये 3 और इसका प्राइस आके 30 रुपीज़ है। सो अभी हम सीधा जाते हैं, बाइक में मिलते हैं। राइड गोइंग सो फार सो गुड। हियर इज माय फ्लैश। तो यहाँ का पार्किंग भी बढ़िया है, ठीक है। हम लोग जब ना लास्ट टाइम विशाखापट्टनम आए थे यहाँ पर हम रुक के ना चाय पी रहे थे। आई थिंक दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच देखने आए थे, हम लोग वहीं रुके थे। नानी की मम्मी ने एक बात बताया था मुझे, तो आई थिंक वो बात सही भी है। एक्चुअली सिटी के लोग जो है ना टाउन आके रहने का मन करता है उनको फेस्टिवल के टाइम में, एंड गाँव के लोग को ना सिटी जाके इंजॉय करने का मन करता है। दिस इज ट्रू, मेरा थिंकिंग वही है। मैं सोचता हूँ कि मैं गाँव में रह रह के यार सिटी जाना है, थोड़ा घूम के आना है करके। क्या गाइस आपको भी ऐसा लगता है कि ये सही है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। गाइस अभी तक आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो मुझे ना ज़रूर जाकर फॉलो कर लेना, क्योंकि सबसे पहले मैं कहीं भी पहुंचता हूँ कहीं भी जा रहा हूँ तो ना इंस्टाग्राम में सबसे पहले मैं बता देता हूँ एंड मैं स्टोरी भी डालता हूँ। सो आपको कोई डाउट होगा या कुछ मुझे पूछना होगा तो भी इंस्टाग्राम में आप जाके मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके चेकआउट करना और ना फॉलो कर लेना अपने भाई को। ना मैं यहाँ रुका था, कुछ अच्छे सीन लग रहे थे मेरे को यहाँ फोटो क्लिक करने का। हियर इज माय फ्लैश। सो हम ना अभी करने जा रहे हैं घर की तरफ एंड द रोड्स आर मक्खन बट कहीं ना पैचेस बहुत ख़राब है। सो एक्चुअली अभी 3 आवर्स के अंदर हम जो है ना घर पहुँच जाएंगे, उसके बाद वॉक को एंड करते हैं। तो अभी सीधा मिलते हैं आपको बाइक पे। होपफुली आपको ये कुछ शॉर्ट्स पसंद आया होगा, बहुत दिक्कत हुआ ये लेने के लिए बट कोई ना, वीडियो के लिए इतना तो चलता है। बाइक जो है अभी रिजर्व में आ गया है। मेरा GoPro जो था फिर से स्ट्रक हो गया था तो मैंने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया आंटी के यहाँ से। सो अभी आसपास में 50 किलोमीटर रेंज में कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं है, बस अभी 2 डंडल पेट्रोल बाकी है मेरे टैंक में। सो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। मारेट पहली मैं जस्ट पहुँचा हूँ, अभी मारेट पहली से मैं बाहर निकल रहा हूँ और ये बम्बू चिकन को देखे जो टेम्पटेशन आ रहा है यार मन में, बता नहीं सकता। एक्चुअली मैं अभी कुछ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मम्मी घर पर बिरयानी बनाया, सो वन ऑफ द माय फेवरेट बिरयानी चिकन बिरयानी, तो डायरेक्ट उसी को जाके खाना है। कितना बड़ा कर्व है देख रहे हो ना, राइनी सीजन के टाइम में ना ट्रक मन जो है ना इधर से फंस जाता है, एक्चुअली इधर से चढ़ नहीं पाता है, बहुत सारे ट्रक बसेस पूरा यही जाम होता है। रोड इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं ना, मेरे मन में एक बात आया, हैशटैग इंडियन रोड्स। कसम से बता रहा हूँ ना, अभी तो मैं बाइक चालू नहीं किया हूँ, वो जा रहा है। अब क्या बताऊँगा इस, बहुत सीरियसली इतना हंसी आ रहा है यार, बता नहीं सकता मैं। देखो मंदिर भी पहुँच गया घाट का, तो देखने वाले अभी क्या सोचेगा कि ये क्या भाई बचत कर रहे हो। बिना एक्सीलरेशन और बिना गाड़ी स्टार्ट हुए अप्रॉक्स स्पीड चल रहा है देखो 45। वाओ यू आर जीनियस अभिषेक, कहाँ थे इतने दिन। देखो अभी ये डाउन है, जाएगा लेकिन धीरे जाएगा, लेकिन ज़रूर जाएगा। देखो कितना शांति मिल रहा है, नेचर वेदर। अभी भी एक्चुअली ठंड लग रहा है हल्का हल्का, पता है हल्का फील हो रहा है कि ठंड है जैसा। जहाँ तक डाउन है मैं बिना चालू किए ही जाऊँगा। हम पहुँच गए
एरम बेटा एक्चुअली फ्यूल रेंज देखो 30 किलोमीटर का दिखा रहा है, तो अभी मेरे को ना फ्यूल डलाना बहुत नेसेसरी हो गया, बिकॉज सिंगल कार डबलिंग कर रहा है और यहाँ से मेरा घर है 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले फ्यूल डलवा लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ रोड पे कंटिन्यू करते हैं अपन। सो गाइस वेलकम बैक टू छत्तीसगढ़। सो फाइनली अपना ड्रीम डेस्टिनेशन जो था कंप्लीट हो गया, फाइनली हम पहुंच गए छत्तीसगढ़ अपने घर के तरफ। सो आपको वीडियो पसंद आएगा जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना, तो आपके भाई के ना थोड़ा प्यार बनता है, ठीक है। होपफुली मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन जो था कंप्लीट हो गया। सो फाइनली घर पहुंच के ना जस्ट 5 मिनट्स हो रहा है और मैं अभी ब्लॉग एंड करने जा रहा हूँ। सो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ राइड पे, एंड आपको ये सीरीज पसंद आया था ना जरूर आपके भाई को ना सब्सक्राइब कर देना, ठीक। फिर मिलते हैं अगले कुछ राइड में, या अभी फैमिली ट्रिप तो हो रहा है तो आप जानते ही हैं, सो उसका प्रिपरेशन अभी चालू हो जाएगा। सो एक्चुअली हम जा रहे हैं फ्लाइट से फर्स्ट टाइम, तो क्रेजी ब्लॉग्स आने वाला है। सो जरूर जुड़े रहना मेरे साथ, ठीक है। तब तक मिलते हैं, पीस आउट।